हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइव स्टार क्लासेस में। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर जितने रिलेटेड क्वेश्चन है बारी बारी से देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया। पूरे भारतवर्ष में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर। तो आपका आंसर है 25 सितंबर। 25 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में अंत्योदय दिवस मनाया गया। ठीक है, तो अंत्योदय दिवस है क्या? तो जितना भी गरीब से गरीब लोगों को इसमें क्या करना है, उत्थान करना है। जितना गरीब से गरीब लोग हैं उनको उत्थान करना है अंत्योदय योजना में। तो यह चलाया किसने था? तो इनको चलाया थे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की क्या की थी, शुरुआत की थी अंत्योदय दिवस के रूप में। या कब इसका स्थापना कब हुआ था, किस वर्ष? इसका स्थापना 2014 को। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को इसका स्थापना हुआ था। दो नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को AIFF 2019-20 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो आपका ऑप्शन है गुरप्रीत, संजू, आकाशदीप और ए और बी दोनों। डी नंबर में है ए और बी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि गुरप्रीत और संजू दोनों को क्या किया गया है, फुटबॉल ऑफ द ईयर 2019-20 सत्र के लिए दिया गया है। ये जो है ये इंडिया फुटबॉल क्रिकेट फुटबॉल टीम के क्या है, गोलकीपर हैं, इनको दिया गया है और ये महिला टीम के हैं। ठीक है, तो AIFF है, तो इसका फुल फॉर्म होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, आगे तीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का नए प्रबंधक निदेशक चुना गया है? तो आपका ऑप्शन है रजत सूद, दिव्या घोष, अनुरिमा सिंह और सोनू सूद। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा रजत सूद को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है EESL, तो इसी का क्या है, ये पूर्ण रूप है EESL का। तो इसका इंग्लिश में बता देता हूं, एनर्जी, इससे क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा। और एल से क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका अध्यक्ष है और ये जो है रजत सूद, ये किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे एस गोयल जो थे उनका क्या करेंगे, ये स्थान लेंगे रजत सूद। ठीक है, तो एस गोयल का स्थान लेंगे। तो अब इन ये जो है EESL, इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष है राजीव शर्मा। कौन है? राजीव शर्मा है इसका EESL के अध्यक्ष, राजीव शर्मा है। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसे एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आमिर खान, सोनू सूद, रणबीर कपूर और टाइगर श्रॉफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोनू सूद को एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो एजर इंडिया जो है ये क्या है, ये है कंप्यूटर ब्रांड है, एक एजर कंपनी का ACER जो है उसका कंप्यूटर आता है। ठीक है, पीसी कंप्यूटर, लैपटॉप जिसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, वो आता है। तो जो एजर इंडिया है इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष जो है वो कौन है, हरीश गोयल। कौन है? हरीश गोयल कोहली है, सॉरी गोयल नहीं कोहली, हरीश कोहली है इसका अध्यक्ष। ठीक है, एसर इंडिया के अध्यक्ष हरीश कोहली है। एसर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलोर। कहाँ है? बेंगलोर में है। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या होता है? बेंगलोर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन क्या है कि IFFI का 51वां संस्करण जनवरी 2021 में कहां आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये 2020 में होने वाला था लेकिन
इसे 2021 में स्थापित किया गया, तो ये होगा कहाँ, किस राज्य में होगा? तो ऑप्शन है गोवा, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में ए आई एफ एफ आई का 51वां संस्करण, ठीक है, 2021 आयोजित किया जाएगा, जनवरी में किया जाएगा, ठीक है। ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना कोविड-19 के देखते हुए इसे क्या किया गया, 2020 में स्थगित कर दिया है उस, और 2021 में क्या किया गया है, आयोजित किया जाएगा कहाँ, गोवा में किया जाएगा, ठीक है। तो गोवा में किया जाएगा, तो गोवा की राजधानी कहाँ है, गोवा की राजधानी पणजी है, और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत है, और वहाँ के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है, ठीक है। और गोवा किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आपका आंसर है, ऑप्शन क्या है, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर और 23 सितंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26 सितंबर, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, और यह 26 सितंबर को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 26 सितंबर। 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस मनाया गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एकीकृत पोर्टल यू राइज का शुभारंभ किया, ठीक है, किस राज्य सरकार ने एकीकृत पोर्टल यू राइज का शुभारंभ किया? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार ने यू राइज का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो उत्तर प्प्रदेश राज्य ने किया है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। और जो लखनऊ है वो किस नदी किनारे, तो ये जो है लखनऊ क्या है, राजधानी है। तो ये जो यू राइज है, यू राइज आखिर है क्या, तो इसमें क्या होगा कि छात्रों को ऑनलाइन सुविधा दिया जाएगा, जैसे कि पढ़ने के लिए, ठीक है, डिजिटल खरीद बिक्री के लिए दिया जाएगा। उसके बाद इसमें और क्या सेवा दिया जाएगा कि एग्जाम लेना, एडमिट कार्ड निकालना, सारा चीज, मतलब छात्रों से रिलेटेड जितना भी चीज है वो डिजिटल किया जाएगा यू राइज में, ठीक है। तो यह किसने चलाया, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने चलाया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस बैंक ने साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन प्रकाशित किया, किस बैंक ने साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन प्रकाशित किया? ऑप्शन है RBI, SBI, ICICI और HDFC बैंक ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, RBI, RBI बैंक ने साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन प्रकाशित किया, ठीक है। तो RBI है, तो RBI का स्थापना हुआ था कब, तो 1 अप्रैल को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका है मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। कहाँ मुख्यालय है, मुंबई है। और आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। वो कितने नंबर के हैं, तो वो 25वें नंबर के हैं, ठीक है, 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, ठीक है। साइबर सुरक्षा जो ये लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जितना भी साइबर से रिलेटेड हमला से बचने के लिए या हमला करने वाले को पता लगाने के लिए इसमें साइबर सुरक्षा को भी विजन का प्रकाशित किया गया है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया, विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020, ठीक है। तो भारत का स्थान कौन नंबर पर है, तो आपका ऑप्शन है 81, 89, 78 और 73, ठीक है।
तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत कितना स्थान पर है, तो 89 नंबर पर है, ठीक है 89 नंबर पर है। तो ये जो विश्व जोखिम रिपोर्ट जो है, इसमें इसमें कितना देश को देश शामिल हुआ था, तो कुल 181 देश इसमें क्या हुआ था, शामिल हुआ था, ठीक है। तो हमारा देश भारत जो है वो 89 नंबर पर है। तो एक नंबर पर कौन है, तो एक नंबर पर है वनुआटू, ठीक है वनुआटू जो है वो एक नंबर पर है। और दो नंबर पर कौन है, टोंगा। दो नंबर कौन सा देश है, टोंगा देश है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अच्छा और एक बता दे कि 181 नंबर पर कौन है, सबसे लास्ट में कौन है, तो सबसे लास्ट में है कतर, जो 181 नंबर पर स्थित है, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को CE8 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। CE8 जो है ये कंपनी है, ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आपका ऑप्शन है आमिर खान, सोनू सूद, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आमिर खान। आमिर खान को CE8 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो है बहुत बड़ा कंपनी है, इसका क्या आता है, इसका बैग भी आता है, ठीक है, इसका टायर भी आता है, और भी बहुत बड़े बड़े चीज का इस कंपनी के द्वारा आता है, ठीक है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, CE8 का, आमिर खान को बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जितना जितना हो सके शेयर करें, और हमारा चैनल जो 5 मिनट क्लासेस है उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा जो ये वीडियो है आपके पास समय समय पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।